अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नादिया हूं। मैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस आयल। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। खुदा का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। आज हम पार्क आए हुए हैं, हमने कहा शाम का टाइम है, चलो सैर कर आते हैं पार्क में। और आए थे तो देखो, देखे आए तो अपनी चीज़ भी साथ में लेके आई है ना? आए तो अपनी चीज़ भी साथ में लेके आई हो? आए जो है अपनी चीज़ भी साथ में लेके आई है। और पार्क में जो है काफ़ी रश है, हमने कहा चलो घूम फिर के आते हैं। आपको थोड़ा सा पार्क का व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम एंटर हुए हैं। आज संडे का दिन था तो मैंने उमेर से कहा कि उमेर आ जाए, हम सैर करके आते हैं पार्क में। तो गर्मी तो थी काफ़ी वहाँ पे, गर्मी लग रही थी काफ़ी। तो ये था काफ़ी लोग वहाँ पे सैर वगैरह कर रहे थे, काफ़ी फैमिलीज वगैरह आई हुई थी, काफ़ी लोग वहाँ पे छुट्टी ले रहे थे। तो मैंने उमेर से कहा हम दोनों भी छुट्टी लेते हैं। कहता नहीं मैंने लेना, मुझे डर लगता है। उमेर ने तो छुट्टी ली है तो मैंने लिए थे। वो देखो आयत मम्मा जा रही उधर, वो देखो मम्मा चली गई। इधर देखो ना मम्मा की तरफ देखो। वहाँ मैंने छुड़ा लिए, ये है कि वो मैं जब भी जाए ना वो छुड़ा ले लेता है। मतलब कि कोई भी छुड़ा हो कहता नहीं मैं नहीं छुड़ा लेनी। तो आयत को भी नहीं मैंने लेनी, मैंने कहा उससे चक्कर वगैरह ना आ जाए। फिर अकेले ही मैंने लिए थे में। ट्रेन भी थी, ये तकरीबन पूरे ना ये पार्क की सैर भी करवाती है। तो इसमें भी झूले लेने काफ़ी फ़ायदा मंद है, बंदे को चलना नहीं पड़ता, पूरी बंदा सैर कर लेता है ट्रेन में बैठ के। ये यहाँ पे कुछ खिलौने वगैरह थे इसके पास, लाइट्स वाले, ये देखे हमने। ये पार्क का दूसरा एरिया था, दूसरी वाली साइड थी। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था लेकिन लाइट थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अंधेरा था। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत लग रही थी। आयत जो थी वो अपनी खाने पीने की चीज़ें साथ में लेके आई थी शॉपर में। जब हमने उससे कहा ना कि हम लोग पार्क में जा रहे हैं तो कहती मम्मा मैंने ये चीज़ भी लेके जानी है। क्या खा रही हो? तो फिर मैंने उसकी शॉपर में डाल ली ना, उसको मैंने पकड़ा दी। मैंने कहा चलो ये साथ पकड़ लो, वहाँ पे खा लेना। बताओ क्या खा रही हो? बाज़ूकात ऐसे होता है कि जब हम पार्क में आए ना तो अक्सर यहाँ पे कैंटीन बंद भी होती है। तो मैंने कहा शायद कहीं कैंटीन बंद ना हो, इसलिए फिर मैंने कहा ले जाओ चलो वहाँ पे खा लेना। वो सामने वाला जो एरिया है वो झूलों वाला एरिया था, ये सामने कैंटीन थी, ये भी पार्क का ही एरिया था। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।